सांसद हैं अजय मंडल, देखे हैं, मिले हैं, कभी मिलने आए? जी नहीं, कभी नहीं मिले। सांसद को तो खाली नाम जानते हैं, चेहरा तो नहीं देखे हैं किस तरह का। के सांसद कौन है जानते हैं? नहीं। आप जानते हैं? नहीं। आप जानते हैं? नहीं। फिर भी आप लोग पहचानते भी हैं या नहीं? पहचानते भी नहीं है, चेहरा भी नहीं देखे हैं कि। नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। पुलिस जिला नवगछिया का इस्माइलपुर थाना क्षेत्र का यह पीछे का नज़ारा देख सकते हैं आप, किस तरह से हर साल जो है ये बाढ़ आती है और कम से कम सैकड़ों परिवार, विस्थापित परिवार एक ऊंचे जगह पर शरण लेने को मजबूर हो जाते हैं। और ऐसा जो है स्थिति, ऐसी स्थिति लगभग प्रत्येक साल उत्पन्न होती है, उसके बावजूद भी सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा इन गरीब लोगों को मदद मुहैया नहीं कराई जाती है। खासकर यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं अजय मंडल और जो यहाँ के विधायक हैं गोपाल मंडल, उनको जो है सूद लेने की ज़रूरत है, लेनी चाहिए, क्योंकि हर साल बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है और सैकड़ों परिवार, विस्थापित परिवार मजबूर हो जाते हैं और उनकी परेशानी आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा गाँव का गाँव, लगभग कई गांव जो है इस इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के कई गांव पानी की बाढ़ की चपेट में हैं। लोगों के घर में पानी है, लोग जो है ऊंची जगह पर रहने के लिए मजबूर हैं। कुछ लोग हैं, इनसे हम जान लेते हैं कि आखिर जो सांसद हैं इनके, यहां के जो विधायक हैं गोपाल मंडल, अजय मंडल, उन लोगों से इनकी कभी मुलाकात हुई है या नहीं हुई है, वो लोग आते हैं या नहीं आते हैं। यहीं के ये सब लोग हैं आप। खैर, स्थिति तो बहुत ही भयावह स्थिति है, बाढ़ की स्थिति बहुत ही ज़्यादा भयानक है, पूरे गांव में पानी है, आप लोग ऊंचे जगह पे हैं। आपके जो स्थानीय विधायक हैं और गोपाल मंडल और जो सांसद हैं अजय मंडल, देखे हैं, मिले हैं, कभी मिलने आए? जी नहीं, कभी नहीं मिलने आए। नहीं मिलने आए जीत के बाद? कभी नहीं, कभी नहीं, ना कभी नजर भी नहीं आया है अजय बाबू भी, यानी ये को कभी गुजर भी नहीं किया है कि जीत गया है, जो कभी गुजर भी नहीं। आप लोग पहचानते भी हैं या? पहचानते भी नहीं है, चेहरा भी नहीं देखे हैं कि कैसा है अजय बाबू। नाम जानते हैं सिर्फ चेहरा नहीं देखे हैं। मदद तो खैर दूर की बात, मदद तो दूर की बात है, और कभी देखे नहीं किया चेहरा तो अब उसका। कुछ और लोग हैं, इनसे भी जानते हैं अपने सांसद को? सांसद को तो खाली नाम जानते हैं, चेहरा तो नहीं देखे हैं किस तरह का। यहाँ पे ये आपका दुकान है ये, और खासकर गांव में देखा जाए तो पानी जो है, पीने की समस्या, हालांकि पानी चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन पीने की पानी की समस्या होगी आप? हाँ, पानी पूरा समस्या है, ट्यूबवेल डूब गया है बहुत गाँव में, ऊँचे जगह पर है, पानी ला के पिलाते हैं। आपके जो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो हेलीकॉप्टर से सर्वेक्षण कर रहे हैं बाढ़ क्षेत्र का, और वो दावा करते हैं कि बाढ़ पीड़ितों को जो है मदद मुहैया कराई जा रही है। एक बार देखे थे जहाज, तीन चार दिन पहले जहाज गुजरा है, ऊपर से गुजरा है, अब कौन थे नहीं थे नीतीश बाबू से कि कौन थे ये नहीं देखे। खासकर स्थानीय जनप्रतिनिधि तो खैर आए ही नहीं इनसे मिलने के लिए, यहाँ के ये बच्चे लोग हैं इनसे भी पूछ लेते हैं। आपके सांसद कौन है जानते हैं? ना। आप जानते हैं? नहीं। आप जानते हैं? नहीं। आप लोग भी आ जाइए, बोल लीजिए, बोल लीजिए, नहीं नहीं बोल लीजिए, अगर जानते हैं तो बोल लीजिए। जानते हैं कि नहीं सर आपके सांसद? नहीं जानते हैं। नहीं नहीं, कोई सांसद को नहीं जानते हैं। जितने भी लोग हैं सभी लोग जो है सांसद अजय मंडल को पहचानते भी नहीं है, नाम से सभी लोग वाकिफ हैं। यहाँ के विधायक जो है, नज़दीकी जनप्रतिनिधि जो है, विधायक जो है गोपाल मंडल हैं, वो भी नहीं आए हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि तो खैर कोई इनसे मिलने ही नहीं आए हैं। गांव की स्थिति शब्दों से बयां कर पाना मुश्किल है। बाढ़ की चपेट में लगभग कई गांव, इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के लगभग कई गाँव बाढ़ की चपेट में है, लोगों को शुद्ध पीने का पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है। और ऐसे में अगर सरकार दावा करती है कि गरीबों को, बाढ़ पीड़ितों को मदद मिल रही है, तो ज़मीनी हकीकत आप देख सकते हैं कि ज़मीनी हकीकत पर लोग जो है उनको अभी तक जो है सुविधा मुहैया नहीं है, मदद नहीं मिली है। और ज़मीनी हकीकत पर सबसे बड़ी बात है कि जब इस तरह से बाढ़ की विभीषिका प्रत्येक साल, हर साल इस थाना क्षेत्र के लोग झेलते हैं, तो ऐसे में स्थानीय सांसद को आगे आना चाहिए,
यहाँ के विधायक जो है उनको आगे आने की जरूरत है, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। लेकिन प्रत्येक साल ये लोग इस बाढ़ जैसी विभीषिका को झेलते हैं, मजबूर हो जाते हैं। इनको अभी तक शुद्ध पीने की पानी तक मुहैया नहीं हुई है, तो खाने की तो खैर दूर की बात है। कोई भी सरकारी सहायता अभी तक इनको नहीं मिली है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दावे, और जब वो अपन उनका देखा जाए डिजिटल माध्यम से जो वो चुनाव का प्रचार प्रसार कराने में लगे हैं, उसमें अगर आप देखिएगा तो दावे एक से बढ़कर एक नज़र आते हैं।